हाय फ्रेंड्स, मैं आप सबका सुपर सिंह और आज एक और न्यू वीडियो के साथ आज सीखेंगे हम मसल अप। ओके, तो जिनसे पुल अप होते हैं वो इजीली ले सकते हैं, थोड़ी टेक्निक है, वो टेक्निक आज हम सीखेंगे। और जिनसे अभी तक पुल अप भी नहीं होते, वो मैंने ऑलरेडी बटरफ्लाई का एक ट्यूटोरियल वीडियो डाला हुआ है, तो वो बेसिक वीडियो है, तो उस पर आप बटरफ्लाई सीख लो, क्योंकि बटरफ्लाई अगर आपने सीख लिया ना तो एटलीस्ट आप पुल अप ले सकते हो। ओके, तो थोड़ा उसमें स्विंग का फॉर्म है, वो कैसे स्विंग करना है वो सीख लो, तो उस क्योंकि वो फॉर्म अगर आपने सीख लिया तो मसल अप में बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो चलिए अभी स्टार्ट करूँगा थोड़ा मसल अप कि कैसे करना है हमने। तो ये था मसल अप। ओके, तो इसका आज हम बेसिक सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगा कि कोई भी वर्कआउट करने से पहले हमने वार्म अप ज़रूर करना है, तो वार्म अप का लिंक मैं शेयर कर देता हूँ, तो वार्म अप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें शोल्डर का मूवमेंट काफ़ी होने वाला है, तो वार्म अप ज़रूर करना शोल्डर का, कहीं ऐसा ना हो कि स्टार्टिंग में ही आप ट्राई करने लग जाओ तो कुछ मसल वगैरह पुल हो जाए। ओके, तो चलिए अभी स्टार्ट करता हूँ, तो उसका बेसिक आपको बताता हूँ कैसे कैसे हमने करना है। तो चलिए अभी स्टेप वन में क्या करना है वो देखिएगा। हमने पुल अप लेना है, तो पुल अप में हमने ट्राई करना है कि चेन से भी अब हमने चेस्ट तक हमने पुल अप कंप्लीट करना है। ओके, तो ये था हमने, जितना आप ऊपर जा सकोगे उतना हमने ऊपर जाना है। ओके, पुल करना है अपनी बॉडी को जितना आप मैक्स कर पाओगे, यहाँ तक। ओके, यहाँ तक में भी ना जाए, क्योंकि यहाँ तक गया तो हमारा मसल अप ही चला जाएगा, सिर्फ उसमें हमने रिस्ट का मूवमेंट करना है फिर आपको। ओके, तो पहला स्टेप था ये, अब सीखेंगे स्टेप टू। ओके, तो स्टेप टू में क्या करना है, हमने बार के ऊपर जाकर हमने डिप्स कंप्लीट करना है। ओके, तो आप लोग नीचे बॉक्स वगैरह रख के किसी का सपोर्ट लेकर अपने बार के ऊपर जाके डिप्स लेना है। ओके, तो मैं आपको एक बार फॉर्म बता देता हूँ। ये बार पे ऊपर जाकर हमने डिप्स लेना है, एटलीस्ट हमारे में इतनी पावर होनी चाहिए कि ऊपर जाकर हम लोग अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो जब वो भी हमारा पावर स्ट्रेंथ हमारा बिल्डअप होगा, पुल अप का स्ट्रेंथ हमारा बिल्डअप होगा, तो हमने फिर एटलीस्ट मसल अप लेने में बहुत आसानी होगी अगर हम स्टेप टू स्टेप चलेंगे। तो ये था स्टेप टू, तो अभी सीखेंगे स्टेप थ्री। तो स्टेप थ्री में क्या करना है, हाइट बढ़ा लिया मैंने। ओके, तो इसके ऊपर अभी मैं बेसिक बता देता हूँ इस पर कैसे करना है। इसके ऊपर चढ़कर हमने जंप लेके ऊपर जाना है। ओके, तो आप देखिएगा कि कैसे कर रहा हूँ मैं। इस पर आप देख सकते हो कि कैसे मैं जंप ले रहा था, और बॉडी को हमने स्ट्रेट नहीं लेके आना है, पैर मेरे हमेशा आगे की तरफ रहेंगे, बॉडी को मैंने क्रॉस रखना है, क्रॉस लेकर मैंने अपनी बॉडी को पीछे की तरफ लेके जाना है, क्योंकि जब मैंने रिस्ट का मूवमेंट करना है तो मुझे बॉडी को पहले तो पीछे लेके जाना होगा, ना कि हमें स्ट्रेट। ओके, तो बॉडी को पीछे लेके तो रिस्ट का मूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है उसमें। एक बार फिर से फॉर्म देखिएगा। ये देखिए, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये स्ट्रेट है बॉडी में, बट मैंने पकड़ा यहाँ पे। ओके, जो स्टेप टू सीखा था हमने वो यहाँ पे काम आ रहा है।
यहाँ तक तो मैंने जंप लेके आ गया। तो स्टेप टू में हमने क्या किया था, ऊपर डिप्स लिया था कि जब जैसे हमारा रिस्ट का मूवमेंट चेंज होता है तो वहाँ पे हमने डिप्स कंप्लीट कर अपना पावर से अपनी बॉडी को स्ट्रेट लेके जाना है। ओके, तो एक बार थोड़ा फास्ट करके बताता हूँ मैं। ओके, तो ये था स्टेप थ्री। तो इस पर हमने और एक और प्रैक्टिस करना है कि जब बार डिप्स हम लोग ले रहे थे ऊपर जाकर, तो बॉडी को ना कंट्रोल करके नीचे की तरफ लेके आओ, उससे क्या थोड़ा आपका और स्ट्रेंथ बिल्डअप होगा। एक बार फॉर्म बता देता हूँ उसका भी। यहाँ पे डिप्स लेना है तो कंट्रोल करके भी हमने नीचे आना है। ये थे कुछ मूव्स स्टेप थ्री के। अब सीखेंगे स्टेप फोर। तो स्टेप फोर में अभी मैं क्या कर रहा हूँ, हाइट छोटा कर दिया इसका, बॉक्स का जो हाइट बड़ा था वो छोटा कर दिया। तो आप डायरेक्ट थर्ड वाला छोड़कर स्टेप फोर भी कर सकते हो ट्राई, अगर आपसे इजीली हो रहा है। अगर इजीली नहीं हो रहा तो हाइट इसका बढ़ाएंगे, स्टेप थ्री फॉलो करना है। तो स्टेप फोर में अभी हाइट डाउन आया तो सेम फॉर्म हमने फिर से यूज़ करना है। देख सकते हो बॉडी आगे, पैर आगे की तरफ है। ओके, तो स्टेप फोर में क्या, हाइट छोटा किया तो भी यहाँ से मैं जंप लेके मसल अप का लेयर मसल अप ले रहा हूँ। तो इसमें मुझे सपोर्ट क्या मिल रहा था कि जो मैंने जंप लेना है तो ये जंप का सपोर्ट मुझे मिल रहा था। ओके, तो अभी विदाउट बॉक्स कैसे लेना है, जंप का सपोर्ट नहीं, किसी का सपोर्ट नहीं हमें, तो हमने कैसे लेना है वो अभी आपको मैं बताता हूँ कि बॉडी को किस एंगल में रख के हमने मसल अप ट्राई करना है। ओके, अभी मैं आपको मसल अप लेके दिखाता हूँ। तो स्लो मोशन में, तो स्लो मोशन में देखना आप सब कि मेरी रिस्ट का मूवमेंट कैसे मैं चेंज कर रहा हूँ और कहाँ तक मेरी बॉडी जा रही है। पैरों का भी यूज़ करो आप लोग कि पैरों से हम जितना स्विंग कर सकते हैं, जितना ऊपर ले सकते हैं, किक दे सकते हैं अपने आप को, उतना किक दे के हमने ये मसल अप कम्प्लीट करना है। तो आप स्लो मोशन में देखिए भी ये वीडियो। अभी लास्ट स्टेप है, तो ये आप पहले भी एक्चुअली मैंने बॉक्स के ऊपर जैसे पैर रखा था वैसे बताया था कि बॉडी को हमने स्विंग करना है, बट यहाँ से लेकर ओके स्ट्रेट नहीं लेना, हमने स्ट्रेट लोगे तो नहीं होगा आपसे। ओके, तो कहने का मतलब कि अगर मैंने अपने आप को हैंग किया तो बॉडी को आगे की तरफ लेके ना, आगे से मैंने पूरा पीछे की तरफ जाना है। ओके, तो पैरों का यूज़ करना आप लोग, क्योंकि पैरों का यूज़ करोगे तो और सपोर्ट मिल जाएगा आपको अपनी बॉडी को किक करने के लिए। जो हम बॉक्स से सपोर्ट ले रहे थे पैर के जंप लेना, वो हमने अभी अपनी बॉडी को यूज़ करके लेना है किक करके। तो अभी मैं स्ट्रेट कर रहा हूँ, यहाँ से मैं मसल अप नहीं लूँगा, यहाँ से लूँगा बॉडी को स्विंग करके।
ये वाला स्विंग, ओके। तो यहां से लेकर जब मैं बॉडी को ऊपर लूंगा तो मैं अपने पैरों का यूज करना है किक करके, बाद में रिस्ट का मूवमेंट चेंज करके एल्बो मसल अप, ओके। तो एक बार फुल फॉर्म देख लीजिए, अब फिर जब मैं नीचे जाऊंगा फिर क्रॉस आगे की तरफ, ओके। तो ये था मसल अप स्टेप्स मसल अप के, तो आप सब ट्राई करना, और ट्राई करके आप मुझे वीडियो इंस्टाग्राम पे मुझे सेंड कर सकते हो, तो कि मुझे भी अच्छा लगेगा कि चलो मैं जो सिखाने की कोशिश कर रहा था या बताने की कोशिश कर रहा आप सबको कि स्टेप टू स्टेप, तो एटलीस्ट आप मतलब काम कर रहे हो। तो नेक्स्ट टाइम और ऐसी वीडियो मैं बनाता रहूँगा फिर, तो आप सब लोग मुझे वीडियो सेंड कर देना ताकि मैं वो आगे पोस्ट कर सकूँ, तो मुझे काफ़ी खुशी होगी, ओके। तो चलिए, तो ये वीडियो आपको सबको कैसा लगा कमेंट करके शेयर करके ज़रूर बताइएगा। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कमेंट करके बताना ये वीडियो एक्चुअली कैसा लगा आपको, यूज़फुल है कि नहीं, तो मुझे भी पता चलेगा, ओके। और मैं ये सब चीज़ें ना एक्चुअली प्रैक्टिकल खुद करता हूँ तो मैं आपको सिखाता हूँ, ऐसे ही नहीं कि मैंने कहीं से किसी से सुना और मुझे खुद नहीं आता और मैंने करके बता दिया, मैंने भी प्रैक्टिस ऐसे ही की है, ओके। तो आप भी प्रैक्टिस ऐसे करो, एक ना एक दो तीन दिन या हफ्ते भर में आप लोग मसल अप सीख जाओगे, अगर प्रॉपर हार्ड वर्क डेडिकेशन दोगे एक ही वर्कआउट में तो ज़रूर सीखोगे। तो चलिए, ये वीडियो कैसा लगा आप सबको बताइएगा, और शेयर कर देना, इंस्टाग्राम का मैं लिंक अपलोड कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर फॉलो करो, तो मुझे वीडियो सेंड ज़रूर करना, ओके। चलिए गाइस, मिलते हैं फिर, आप सबका सुपर सिंह, जय हिंद।